आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने भी लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना वायरस के कहर से कराह रहा है। ऐसे में आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, और चूंकि लॉकडाउन के हालात बन चुके हैं, 3 दिवसीय लॉकडाउन जो है ताज नगरी में भी लगा हुआ है। ऐसे में अगर हालात लॉकडाउन के आगे और भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है या ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है, उसके सामने एक बार फिर संकट जो है आर्थिक संकट गहरा सकता है। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा जी का, आइए उनसे जानते हैं। तो शर्मा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और हम लोग संकट से घिरे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सी न्यूज का धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर श्रमिकों के संबंध में बात उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोविड महामारी के कारण मजदूरों पर जो प्रहार हुआ है, दिन पर दिन आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, उसका जो है मुख्य कारण बेरोजगारी और काम का न मिलना है। साथ ही वर्तमान में श्रमिकों के लिए, चाहे वो खेती में काम करने वाला मजदूर हो, कृषि मजदूर हो, चाहे पत्थर खदान में काम करने वाला मजदूर हो, या ईंट भट्टा में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे निर्माण का काम करने वाला मजदूर हो, चाहे रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, या फेरी लगाने वाले, या सब्जी बेचने वाले, किसी भी श्रेणी का, असंगठित क्षेत्र के इन मजदूरों के लिए सरकार को एक अलग से हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। अगर बात करें कोरोना वायरस के गहराते संकट को, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, अगर ताजनगरी की हालातों की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें लगी पड़ी हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में। ऐसे में सक्षम आदमी के लिए जब बेड के लिए उसे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अस्पतालों के, तब इस स्थिति में मजदूरों की क्या कुछ स्थिति है? वर्तमान स्थिति में जो कोरोना महामारी के कारण एक बहुत बड़ा आपदा से हमारा प्रदेश और देश गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार पर जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, सरकार वो व्यवस्था तो कर ही रही है, लेकिन अगर इस महामारी के आने से पहले जो से हम पार साल महामारी आई थी 2019 में, तो उसी समय हम सख्त नियम बनाते, सब पर मास्क लागू करते, सामाजिक दूरी बनाते। अगर कोविड संकट के दौरान, कोरोना के दौरान अगर किसी मजदूर की मौत कोरोना से होती है, उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे में अगर अकेला कमाने खाने वाला आदमी है तो उसके लिए क्या कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? अगर कोरोना महामारी के से जो है मजदूरों की अगर मृत्यु होती है तो उस मजदूर का परिवार पीछे रहता है। कई परिवार तो ऐसे के सिवाय एक ही कमाने वाला होता है और वो ही चला जाता है, तो बच्चे छोटे होते हैं, पत्नी भी जो अनपढ़ होती हैं, काम नहीं, और घरों में काम करके 100-200, 500-1000 रुपये महीने या 2000 रुपये महीने की कहीं सर्विस कर लेगी तो उससे गुजारा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को मजदूरों के लिए कोई न कोई आर्थिक स्थिति, एक मजदूर में एक ठोस आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए। अगर किसी मजदूर की मौत कोरोना संक्रमण के चलते होती है तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे कि उनको कोई आर्थिक बड़ा पैकेज दिया जाए, जाके उससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि अगर कोरोना महामारी के बीच में अगर किसी मजदूर की मौत होती है, उसके परिवार में कोई करने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, तो ऐसे परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मासिक के हिसाब से कुछ आर्थिक सहायता की जाए। तो ये थे उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा जी, जिन्होंने एक बार फिर मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय
श्रमिक दिवस पर मांग की है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में अगर किसी मजदूर की मौत कोरोना संक्रमण के चलते होती है तो कहीं ना कहीं सरकार उन्हें 5 लाख का आर्थिक पैकेज दे, जिससे वो अपने परिवार जो पीछे जो परिवार छोड़ गया है कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय ना रहे, वो मजदूर की जो बेवा है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सके। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों के लिए अस्पताल की मांग की है, जहाँ पर जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, जो डेली कमाने खाने वाले मजदूर हैं उनको इलाज मिल सके, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर उनको इलाज मिल सके, प्रवासी मजदूर उनको इलाज मिल सके, और कोई भी मरीज मजदूर इस कोविड संकट के दौरान बिना इलाज के ना मरे। अपने साथी अनूप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।